कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिवरात्रि का महापर्व बड़े भाग्य से प्राप्त होता है ऐसे में पूजा करने का अवसर। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला भविष्य, ये तो हमने आपको कई वीडियोस के माध्यम से बताया है। कैसे शिवरात्रि के महापर्व पर देखिए, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, ये सिद्ध रात्रियां हैं। और ये मान लीजिए कि इन सिद्ध रात्रियों में आप एक छोटा सा कर्म जो करते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, उसका कई गुना अधिक प्रभाव जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात है, मुहूर्त है, सिद्ध मुहूर्त है ये। तो शिव महारात्रि के दिन कौन सा खास उपाय मेष राशि वाले कर ले, जिससे आने वाले समय में पूरे वर्ष में उनके लिए कष्टों को दूर करने का योग बन जाए। इसलिए जागरण की रात्रि है, महारात्रि है और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने की रात्रि है। तो मेष राशि वालों, हमने आपको आपके राशि के अनुसार से कई वीडियोस के माध्यम से ये बताया है कि क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, शनि का परिवर्तन हो चुका है, अभी सूर्य का परिवर्तन भी हुआ, और आने वाले समय में जो भयावह योग बनने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो सूर्य और शनि का योग है और बृहस्पति और जो खासतौर पे शुक्र का योग है, वो कई प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न करता है और कष्टों को देने के योग बना सकता है आने वाले समय में। और हमने ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से समझा भी कि ये योग जो बना था वो विशेष तौर पे कई बार, जब भी योग बना, इस प्रकार के भयावह युद्ध की स्थिति बनी और कई प्रकार के कष्टों को इस योग के माध्यम से हमने समझा कि ये योग ने उन कष्टों को बढ़ाया। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय आप उस दिन कर सकते हैं और आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए आप समझ लीजिए पहले हो क्या रहा है आपके साथ। देखिए, आपके गोचर में इस वक्त बृहस्पति जो है 12वें भाव में चल रहे हैं, शुक्र वहां पदार्पण कर चुके हैं और साथ साथ शनि महाराज जो है वो आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में चल रहे हैं, लेकिन सूर्य से अस्त हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार के योग बन रहे हैं वो लाभ के बनते बनते, यानी फल पकते पकते भी, आप पकने के बाद भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, वो स्थिति बन रही है। तो आप शिवरात्रि के दिन, इस बार शिवरात्रि का शुभ योग जो है वो प्रदोष के साथ साथ ऐसा योग बना है कि प्रदोष, देखिए प्रदोष का जो काल है वो समस्त दोष रहित काल होता है। उस दिन, जिस दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी रात्रि के दिन विद्यमान हो और चतुर्दशी का समाविष्ट हो जाए, तो उस दिन विशेष तौर पर, इस बार क्या हो रहा है, चतुर्दशी के साथ साथ त्रयोदशी जो है वो भी रात्रि में विद्यमान है, तो बड़ा शुभ योग है। तो खासतौर पर फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी का संयोग महाशिवरात्रि का पर्व, तो ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप रात्रि में शाम से लेकर, वैसे तो पूरा दिन ही सिद्ध मुहूर्त है, तो आप कोशिश ये करें पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर 108 शिवलिंग बनाए, उनको प्रतिष्ठित करें और उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र के द्वारा उनका विशेष तौर पर जलाभिषेक करें। और उससे क्या होगा आपके, देखिए कहा गया है कि एक बार मंत्र जप कर लेने से, हमारे यहाँ प्रार्थनाएं अनेक प्रक्रिया प्रार्थनाएं, जैसे भगवान शिव पर बिल्वत पर पत्र अर्पित करते हैं, तो क्या कहा था, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये सूत्र समझ लीजिए कि तीन जन्मों में किए हुए जितने भी पाप हैं वो क्षय हो सकते हैं, लेकिन केवल एक बिल्वपत्र भगवान शिव पर अर्पित कर लेने से। और शिव महारात्रि का पर्व और उनका अभिषेक जो रुद्राभिषेक के माध्यम से आप करने का यदि सौभाग्य प्राप्त करें, पंडित जी को बुलाएं, अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और सुंदर तरीके से उसको करें। और यह उसके साथ साथ हमने विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में भी ये सुंदर व्यवस्था बनाई है, आप उसमें स्वयं सम्मिलित होकर उस यज्ञ में, रुद्र महायज्ञ में भाग ले सकते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और अपने जिस प्रकार से हमने योग बताए कि क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में चल रहे हैं और लगातार आपके खर्चे कंट्रोल हो ही नहीं पा रहे हैं, जुर्माने लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लाख चाहकर भी पिछले पूरे एक वर्ष से ये समस्याओं से ग्रसित चल रहे हैं और अब बृहस्पति पूर्ण अपने
परिपक्व काल में आ चुके हैं और कुछ और कष्ट ना दें, अप्रैल के बाद परिवर्तित करेंगे और उस बहुत बढ़िया योग बनाएंगे। ये तो योग साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस योग से पहले ये शिवरात्रि का जो महापर्व पड़ गया है, ऐसे में जो हमने उपाय आपके समक्ष रखे उनको यथाउचित भाव से आप करने का प्रयास करें। सत्य माने मैंने आपको सूत्र भी समझा दिया, हर तरह से व्यवस्था समझाने का प्रयास किया कि ये शिव महारात्रि दीपावली महारात्रि जो है ये विशेष तौर पर जो आती है ना हमारे यहाँ कालरात्रि महारात्रि मुहरात्रि से दारुणा, ये कहा गया है भगवती के निमित्त प्रार्थना करते हुए रात्रि सूक्त के अंतर्गत। तो ये विशेष तौर पे जो महारात्रि है शिव महारात्रि जागरण की रात्रि है और हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ पूजा जो बताई गई है पार्थिव शिवलिंग की। पार्थिव शिवलिंग का मतलब समझें कि मिट्टी के शुद्ध मिट्टी काली मिट्टी इकट्ठी करें, तालाब की मिट्टी जो होती है जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है उनको अच्छे से गूंथ कर और उनके द्वारा भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण करें और उसके बाद उनका जलाभिषेक के द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक करें। देखिए आपकी मनोकामना सिद्धि होगी, कष्ट दूर होंगे, ये सिद्ध मान लीजिए, ये सिद्ध उपाय है। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने की शास्त्र में व्याख्या है। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्योंकि मेष राशि है और मंगल का संबंध पृथ्वी से आता है, तो इसलिए हमने योग आपके समक्ष उपस्थित किया है। आशा करते हैं आप इसका पूर्ण लाभ लेते हुए इस छोटे से प्रयोग का, हमने मंत्र भी आपको बता दी है, मंत्र पुनः नोट कर लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये भगवान शंकर का त्र्यंबक मंत्र है, इसको मृत्युंजय मंत्र भी बोला जाता है, लेकिन कुछ भ्रांतिवश लोग जो है इस मंत्र को महामृत्युंजय के तौर पर उपयोग कर लेते हैं। ये महामृत्युंजय नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है, विहरतियाँ उसमें जुड़ी हैं, वो कभी समय होगा तो उसके ऊपर पूरा वीडियो हमारे उपस्थित है, वो आप देख सकते हैं। आपके मन में भी कोई शंका चल रही हो तो आप तुरंत व्हाट्सअप के जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, हम निदान देने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ इस शिवरात्रि के महापर्व पर विवेकानंद योगाश्रम पे सुंदर रुद्र महायज्ञ और रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं और उसके नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आशा करते हैं आप माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए उस यज्ञ में भाग लेंगे। धन्यवाद।